this moment. Can we ride? Yeah. Nothing's stopping us tonight. No, not a single bright light in our sight. In our way, in our way. I'm your passenger. Hello friends, so I am just right now at Agroha Mall. मेरे घर से निकल चुका था अभी 20 पे और अभी मैं अग्रोहा में पहुंच चुका हूँ और अभी यहाँ पे दिल्ली वाली जो बस है उस पर वेट चल रहा है। मैं अपनी ड्यूटी पर ही निकला हूँ और अभी हमें 38 या 45 तक वो बस आई है। उसके बाद डायरेक्ट पहले उसके अंदर हिसाब से मुझे दो स्टूडेंट्स होंगे, हमने देखते हैं बताते हैं वीडियो में कौन दो स्टूडेंट्स होंगे। थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। अरे भाई, भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम पहुंच चुके हैं हॉस्टल और आई एम बैक इन माय रूम माय 24। अभी जस्ट ब्रेकफास्ट करना है और चेंज करना है, ब्रेकफास्ट चेंज और उसके बाद दोस्तों से मिलना है यहाँ पे, फिर हमें निकलना है फॉर द हिस्टोलॉजी क्लास मंडे। टुडे मंडे है, सी यू देयर। हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं रेडी हो चुका हूँ फॉर द क्लास। अभी मैं ब्रेकफास्ट जो मैं घर से लेके आया था वो ब्रेकफास्ट करना है। आयुष का वेट हो रहा है, 5 मिनट में आयुष आ रहा है तो हम इनके ब्रेकफास्ट करेंगे। उसके बाद हम निकलते हैं फॉर द हिस्टोलॉजी क्लास। स्टूडेंट की जो लाइफ होती है वो किस टाइप की हो रही है, फर्स्ट ईयर होकर जैसे मैं हूँ कि मैं कैसे पूरा एक दिन मैनेज करता हूँ। आज का थोड़ा मतलब रूटीन चेंज था क्योंकि मैं हर रोज तो रूटीन में हॉस्टल में उठता हूँ, उसके बाद मॉर्निंग वॉक वगैरह ये सब होता है, परंतु इसके अंदर हम जो रूटीन दिखाएंगे आपको ताकि मैं घर से आया हूँ फिर मैं कैसे मैनेज कर रहा हूँ मेरा पूरा दिन मतलब किस तरह हो रहा है। सो होप यू लाइक इट एंड आई विल ट्राई टू गेट सम व्लॉग्स फास्ट। मतलब अभी तक मैं कुछ ज़्यादा स्टडीज़ के अंदर मतलब जैसे नए नए स्टूडेंट्स आए थे हम अभी और भी ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पा रहा था मैं, अभी मैंने मैनेज करना स्टार्ट कर दिया है अपने टाइम को कि मैं यूट्यूबिंग के लिए मेरा टाइम निकाल सकता हूँ स्पेयर टाइम। तो उसके बाद मैं उसको मतलब पूरा मैनेज कैसे करना है मेरे रूम को, मेरे टाइम को, मेरे स्टडीज़ को, ये सब मैं धीरे धीरे अभी मैं आपसे एडजस्ट कर रहा हूँ। और अभी जल्दी से मतलब आपको वीकली व्लॉग्स मिलेंगे, अभी तक मैं जैसे कि व्लॉग बहुत कम अपलोड कर पाया था, अभी आपको वीकली व्लॉग्स मिलेंगे। सो बी विद मी। हेलो फ्रेंड्स, हमने जस्ट अभी हिस्टोलॉजी की लगा ली थी, उसके बाद 2 घंटे का एलटी लगा लिया हमने। अभी हम निकल रहे हैं फॉर द बायोकेमिस्ट्री क्लास। अभी इतनी ज्यादा धूप है यार कि मतलब धूप में जाना पड़ रहा है बायोकेमिस्ट्री लैब तक, क्या करें, दूर है यार बायोकेमिस्ट्री लैब काफी। चलो कोई नहीं, हमें आदत हो चुकी है, आप अगर आएंगे तो आपको आदत हो जाएगी। इधर आती है बहुत अच्छी बात। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गाइस यहाँ पे ना रिकॉर्ड करने के चक्कर में मैं खत्म हो गया, मेरा तो रह गया, इसने आयुष मेरा भी ले गई थी। मैंने इतना लिया कि एक लिया।
गलत किया आयुष ने तुम्हें मेरे साथ। गाइस दोबारा की अपडेट ये है कि आयुष ने मेरे लिए अरेंज करवा दिया, जो इसने मेरा पिया था ना, अभी आयुष ने मेरा अरेंज करवा दिया। अच्छा ब्लॉग बना लग गया स्टार्ट। हमारे साथ है जी हर्षित जैन, मिलिए हर्षित से। हेलो भाई, भाई जींद क्या जींद काम कर दिया अभी जस्ट अभी वाली दिखी थी नहीं बताई थी अभी हमारा बाय करके लेक्चर हो अभी एग्जाम की प्रैक्टिकल कंप्लीट कर दिया मैं तो अभी जस्ट वी लेफ्ट आफ्टर द बायोकेमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स और अभी हम जाएंगे डायरेक्टली मैथ्स हमें हाउ टू डू क्रोमेटोग्राफी। आज हमने क्रोमेटोग्राफी कर ली ठीक है। हां दिला इस्ता मिले दिला नहीं आई वो यस जी यस जी बस अब बोल लाइन ना बोल। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लंच कर रहे हैं। बोलो तो बंद करना पड़ेगा, वॉइस ओवर नहीं आएगा ना उसके अंदर भी। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? सभी का स्वागत आज एक नए व्लॉग में। अच्छा ये स्वागत का टाइम है, बीच में आगे स्वागत करेगा तू? ये गलत बात ना बताई क्यों कर रहा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मैं उसी ने इंतजाम बता देगा तू। अब हम जा रहे हैं फाउंडेशन को, ठीक है? जी रहा अल्लाह बताने के ना। हाँ ठीक है, हम फाउंडेशन कोर्स के लिए हम जा रहे हैं आफ्टर द लंच और ये शाम को 5 बजे तक होता है। आज देखते हैं 5 बजे तक होगा या फिर कुछ थोड़ी देर पहले छोड़ देंगे हमें LT5। यो फ्रेंड्स, अभी अभी क्लास कंप्लीट हुई है हमारी, अभी हम फाउंडेशन कर रहे हैं। आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है यार, ये पहले क्लास फाउंडेशन की भी टॉपिक अच्छा था, नीडल स्टिकिंग प्लीज कुछ सीखने को मिला भाई। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम आफ्टर डिनर और डिनर के बाद वॉक करके भी रूम में आ चुके हैं और अभी इस पूरे ब्लॉग को हम एक पॉइंट पे लेके जा रहे हैं। सिनॉप्सिस देखें मतलब कि क्या कुछ हुआ समरी में। आज पूरे दिन का हम आपको एक इंट्रोडक्शन देते हैं कि कैसे कैसे हमने क्या क्या सीखा, कैसे हमारा आज का दिन था, कैसे उसका टाइम पास किया या टाइम यूज किया, कैसे आप बताना कमेंट सेक्शन में कैसे आपको लगा आपका दिन। मस्त प्लान है और नए नए ब्लॉग्स आते रहेंगे इसके इसी चीज के साथ, हर हफ्ते डालने की कोशिश करेंगे आप, क्योंकि अभी काफी दिनों से लेट चल रहा था सिस्टम, एडजस्टमेंट में टाइम लग रहा था लोग टाइम मैनेजमेंट में, परंतु अभी सब कुछ एडजस्ट हो रहा है। तो मेरे साथ अभी आयुष है, ये भी अपना एक्सपीरियंस बताएगा आज अपना पूरा आज का दिन कैसा रहा इसका। तो स्टार्टिंग करते हैं कि जैसे मैं मेरा बताता हूँ कि मैं घर से आया था तो मैं 2:30 बजे उठा था, उसके बाद मैंने 3:15 घर से निकला हूँ तो ट्रैवलिंग में था मैं सुबह सुबह तक। तो क्लास तक मैं आपको होटल में पहुँचने के बाद चेंज वगैरह करके ब्रेकफास्ट किया था, उसके बाद क्लास चले गए थे हम स्टोर की लैब के अंदर। पर अब आयुष बताया कितने बजे ये घर से निकला था? हम पहुंच गए थे 7:58 पे, 8 बजे की बात है, 2 मिनट पहले हम सेफ लाइन पहुंच चुके थे। उसमें आज हमें ग्लैंड के बारे में बताया गया था, स्लाइडिंग ग्लैंड की हमने स्लाइड देखी थी, सीखा था हाउ टू आइडेंटिफाई स्लाइडिंग ग्लैंड, डिफरेंट टाइप ऑफ स्लाइडिंग ग्लैंड्स। स्लाइडिंग ग्लैंड्स होने के बाद हमारा लेक्चर थिएटर में लेक्चर था एनाटॉमी का और बायोकेमिस्ट्री का, जो भी बहुत अच्छे लेक्चर थे। बाकी
उसके बाद फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन कोर्स जो कि क्लिनिकल पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये एक आम चीज बन चुकी है आज के टाइम पे। तो इसके ऊपर अगर पूरा फाउंडेशन कोर्स का लेक्चर था मैंने वो किया था। हाँ, तो काफी इंटरेक्टिव सेशन था उसमें, मतलब काफी क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू था वो सेशन, कि कैसे हमें उससे बच के रहना है अगर हो जाए तो क्या करना चाहिए, और हाउ टू प्रिवेंट एंड हाउ टू क्योर, बोथ टाइप की हमारी क्लास थी। और कल भी इसी का जो सेकंड पार्ट और क्लास था वो होगा फाउंडेशन कोर्स का, तो वो भी काफी इंटरेक्टिव होगा। तो उसके बाद क्या किया, मैंने आके रेस्ट किया थोड़ी देर, उसके बाद एनाटॉमी का फेस किया मैंने, फेस की लेक्चर लगाई थी। फेस करने के बाद मैंने रोज एनाटॉमी के कुछ डायग्राम्स बनाए हैं, उसके बाद केंद्र करके वॉक करके ये शो कर, उसके बाद आयुष और उसके जस्ट बाद अभी मैं मेरे रूम में जाके कुछ देर बायोकेमिस्ट्री करूँगा और उसके बाद टिप्स। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज व्लॉग। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि व्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो उसको लाइक, नहीं लगे तो भी लाइक करना है और कमेंट जरूर करना है क्या अच्छा नहीं लगा, अच्छा लगा तो क्यों अच्छा लगा, किसकी सुनने की कोई जरूरत नहीं है ऐसे बोल रहा है। आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हेलो ऑल। हेलो 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 किन्ना गया। हाँ, ये सीन हमारा एक वीक बाद का है, जब पिछली बार मैंने जो अभी आपकी जो रिकॉर्डिंग थी वो एक वीक पहले की थी। मैं उसमें घर से आया था, इनसे मैं इन लोगों के पास ही आया था और इन लोगों के द्वारा मैं वापसी अपने घर जाऊंगा मैं इस आज सैटरडे को। सेम हम सारे एक जैसे ही हफ्ते जाने वाले, देखते हैं जर्नी, सारे घर निकलेंगे आज। सो बी विद मी।